स्नान करें, रस्सी के आगे जाने का प्रयास कोई भी भक्त ना करे। माँ के चरणों में आए समस्त भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जो भक्त माँ के चरणों में योगदान करना चाहते हैं वो योगदान कर सकते हैं। एक माँ ने जगत रेणी आदि शक्ति भवानी माँ गंगा के चरण में अपने बेटी की मंगल कामना के लिए हाजिर लगाई है, जिसका नाम कवल है। माँ आप ध्यान में अपने साथ लाया हुआ कूड़ा कचरा माँ के जल में विसर्जन न करें। ध्यान में अपने साथ से आपके दिए हुए दान से ही माँ गंगा की दिव्य आरती की जाती है। आपके दिए हुए सहयोग से, आपके दिए हुए दान से ही माँ गंगा की दिव्य आरती की जाती है। वेद सिंह संजय गांधीनगर, वेद सिंह संजय गांधीनगर माँ के चरणों में 21 मुद्रिकाएं दान किया है। आशीष कृपा माँ के परिवार पर बनी रहे। अर्णव साहू नन्हे से बालक ने माँ गंगा आपके चरणों में 21 जो भक्त आपके चरणों में योगदान। सरजू देवी गुप्ता कारवालो नगर अभिम कोठी जी, तीनों सोमवार है। सरसैया घाट के पावन नगरी में जो श्रद्धा हुई वो दान कर लिया। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ नहीं है, अरे ठीक है। नीलम गुप्ता सोमवार में आए अनवरगंज का। स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। कुछ नहीं, सद्बुद्धि वाली और क्या। हाँ, सब कुछ मंगल आशीर्वाद। मैं गोरखनाथ मिश्रा, घाट नंबर 24 सरसैया घाट, मैं वहाँ का पुरोहित, आपसे जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे सावन पर्व पे अब तक 5 सोमवार पड़े हैं जो गंगा माई के दरबार में। ये आज तीसरा सोमवार है जो कि पब्लिक आज खूब धूमधाम से नहा रही है और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है और बाबा भोलेनाथ का पूजन कर रही है। हम सब भक्तों से यही अनुरोध करते हैं कि आइए गंगा मैया का स्नान करिए और उनका जो है आशीर्वाद प्रदान करिए। सावन में स्नान का क्या महत्व होता है? सावन में महत्व आपको बताएं कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आज कलयुग में, जैसे कहते हैं, हर भगवान को अपने अपने